वेलकम टू डॉक्टर्स किचन। सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबाइए मेरी इजी कुकिंग रेसिपी के लिए। हेलो एंड वेलकम टू डॉक्टर्स किचन। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही ऑथेंटिक डिश लेकर के आई हूँ। ये खाने में काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होता है और बकरीद में जो लोग बकरीद सेलिब्रेट करते हैं उनके घर पर ये डिश ज़रूर बनाई जाती है। तो मैंने सोचा कि आज इससे अच्छा क्या मौका होगा, क्योंकि मेरे यहाँ भी फ्रेंड्स के यहाँ से मटन आया था, तो मैंने सोचा आप लोगों को दाल गोश्त बना करके दिखाती हूँ। टुडे आई एम गोइंग टू मेक मटन विथ लेंटिल्स एंड इट इज़ एक्सट्रीमली टेस्टी डिश एंड वेरी ऑथेंटिक फॉर द ईद सेलिब्रेशन, बकरीद सेलिब्रेशन। सो आई थॉट लेट्स मेक इट टुडे। सो लेट्स सी व्हाट थिंग्स आर रिक्वायर्ड टू मेक इट एंड हाउ आई हैव मेड इट। ये देखिए, ये चना दाल है। ये चना दाल की हम दो कटोरी लेंगे। और ये मूंग दाल हमने जस्ट हाफ कटोरी का है, तो इसका मतलब है 1:4 का रेशियो है। दो कटोरी चना दाल और आधी कटोरी मूंग दाल। नाउ यू सी, यू कैन इवन जस्ट सोक इट इन वाटर फॉर 10 to 15 minutes सो दैट इट ईजिली कुक्ड। आप चाहें तो इसको 10-15 मिनट पानी में भिगा करके भी रख सकते हैं, मूंग और चने की दाल, क्योंकि चने की दाल गलने में थोड़ा सा टाइम लगता है, नहीं तो 5 whistle आपको देना पड़ेगा। अब नाउ इसमें हल्दी डाल देंगे 1 छोटी चम्मच। नाउ दिस इज ट्यूमरिक 1 teaspoon। देन सॉल्ट टू टेस्ट, ये नमक डाल दीजिए स्वाद अनुसार। अब इसी में 1 चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर 1 teaspoon एंड इवन गरम मसाला 1 teaspoon। ये सारे मसालों के साथ में हम इसको पकाएंगे। और ये फ्रेशली ग्राइंडेड जिंजर गार्लिक पेस्ट है हमारा, अभी अभी मैंने इसको बनाया है, तो 1 teaspoon विल बी रिक्वायर्ड। ये 1 चम्मच इसी में डाल दीजिए। नाउ ऐड वाटर। 2 inches अबव द लेंटल्स। अब कंप्लीटली कवर इट विद द वाटर। आप इसको हमेशा, दिस इज 2 digits, सो रिमेंबर दैट वॉट एवर क्वान्टिटी दाल यू आर हैविंग 2 digits अबव इट द वाटर शुड बी। जितना भी आप दाल का अमाउंट ले रहे हैं उससे ये पानी जो है ये 2 digits आपका ऊपर होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। अब इसको हम एटलीस्ट मिनिमम 5 whistles देंगे, क्योंकि मैंने दाल को भिगाया नहीं है, अगर आप भिगाएंगे तो 4 whistle में हो जाएगा। इसमें 3 से 4 बड़े चम्मच तेल डाल दीजिए। मैंने फॉर्च्यून राइस ब्रैन ऑयल का इस्तेमाल किया है। अब इसमें ये खड़े मसाले हैं, 2 दालचीनी है, 5 से 6 लवंग है और ये 3-4 तेज़ का पत्ता है। अगर आपके पास में बड़ा तेज़ का पत्ता है तो 1 या 2 ही काफ़ी होगा। ये बड़ी इलायची है 2 और 4 छोटी इलायची है। दीज आर ग्रीन कार्डमम 4, दिस इज बिग कार्डमम, सिनेमन स्टिक 2, दीज आर 5 to 6 cloves एंड 3 to 4 bay leaves। इफ यू हैव बिगर बे लीफ यू कैन पुट 1 or 2, दिस इज एनफ। नाउ दिस गोज इन। This black cardamom and green cardamom in a pestle, I'll just break it. So its flavor comes out nicely. इसको थोड़ा तोड़ के डालेंगे ताकि इसका जो स्वाद है वो बहुत ही निखर के आएगा। This also goes in.
Now these are two big onions which I have just sliced them. ये दो बड़े प्याज हैं, इसको हम डाल देते हैं और इसको भूनेंगे जब तक ये हल्का ब्राउन हो जाएगा. Now in a high flame I'm going to saute till it becomes brown. देखिए ये ब्राउन हमारा प्याज ब्राउन हो गया है. Now the onions have become brown. इसको बहुत ज़्यादा नहीं ब्राउन करेंगे क्योंकि ये बाद में भी पकते पकते काफ़ी गल जाएगा. Now this is half kg of mutton. ये आधा किलो का मटन है, इसको भी डाल देंगे. अब आप फ्लेम को स्लो में कर लीजिए. Put the flame in low. Now in this, 1 spoon of ginger garlic paste, I'm adding it. Now turmeric goes in, 1 small teaspoon. And salt, salt to taste. पहले हम हल्दी और नमक के साथ इसको बहुत अच्छी तरह से भून लेंगे. इसमें अभी हम कुछ और नहीं डालेंगे. अगर मसाले पहले डालते हैं तो वो तेल को बिल्कुल जल्दी से एब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है और फिर नीचे भूनने के लिए ये बिल्कुल ड्राई हो जाता है. इसलिए अभी हम इसको स्लो आंच में इसी तरह से भूनेंगे. Now with the lid on, at least for 15 minutes I'm going to cook it in low flame with salt and turmeric. Let's see, for last 15 to 20 minutes it's been cooking in slow flame. Wow! देखिए इसका पानी काफ़ी सूख गया है. इसको 20 मिनट से मैंने बिल्कुल धीमी आंच में ढककर पकाया है. अब इसको थोड़ा सा भून लें 4 से 5 मिनट तक. चाहे चॉप तक ये 3 बड़े टमाटर हैं जिसको मैंने काट लिया है. अब इसको इसमें डला देते हैं. अब ये बहुत धीमी आंच में धीरे धीरे ही पकेगा. नाउ आई एम गोइंग टू ऐड काश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1 teaspoon. This is mixed masala. Now this is my homemade garam masala, 1.5 teaspoon. आप कोई भी मसाला इसमें, मीट मसाला, मिक्स्ड मसाला या गरम मसाला ऐड कर सकते हैं. नाउ एट दिस स्टेज दिस इज माई होम मेड शेजवान मसाला. ये 1 चम्मच भर के डाल देती हूँ. इससे टेस्ट काफ़ी एनहेंस हो जाता है. सो प्लीज़ गो एंड सी माई अर्लियर वीडियो ऑफ शेजवान मसाला एज आई एम यूजिंग इट इन वेज नॉन वेज कुकिंग डिशेज एज अ कुकिंग मीडियम. इट एनहेंसेज द टेस्ट. आप हमारी पिछली वीडियो ज़रूर देख लें क्योंकि इससे काफ़ी बड़ा स्वाद जो है वो बढ़ जाता है. उसको मैं एक कुकिंग मीडियम की तरह से यूज़ करती हूँ वेज और नॉन वेज डिशेस को बनाने में. नाउ इसको फिर से 10 से 15 मिनट जो है हम धीमी आंच में छोड़ देंगे जब टमाटर एकदम अच्छी तरह से गल जाए. नाउ वी कुक इट फॉर अनदर 15 to 20 मिनट्स टिल द टोमेटोज आर डन नाइसली एंड इवन द मटन विल गेट कुक्ड.
चलिए देखते हैं हमारे मटन का क्या हाल है। नाउ इट्स बीन कुकिंग फॉर लास्ट 20 मिनट्स। नाउ लेट्स सी। ये तो टमाटर बहुत अच्छी तरह से गल गया है। टमाटर मसाला बहुत अच्छी तरह से भुन गए हैं। नाउ आई एम गोइंग टू ट्रांसफर इट इन प्रेशर कुकर। A glass of water in it to take all the masala, everything. It and give at least 4 to 5 whistles. Till the muttons are soft and tender. चलिए अब दूसरी कढ़ाई में जो दाल ये सारा दाल ले लिया मैंने, थोड़ा सा पानी डाल के टेकन 3 chilies विच आई एम जस्ट स्लिटिंग फ्रॉम द मिडल। ये 5 से 6 लहसुन थे, इसको छोटे छोटे चॉप कर लिए। 6 garlic cloves विच आई हैव चॉप्ड है। दिस इज 2 to 3 inches ऑफ जिंजर विच आई एम ग्रेटिंग इट। जस्ट 1 चम्मच हमने तेल डाल दिया है। आधी छोटी चम्मच जीरा, ये अदरक जाएगी, लहसुन, थोड़ा तेल और लगेगा 1 चम्मच। ये 2 चम्मच में अच्छे से तड़का हो जाएगा। आई एम एडिंग अनदर 1 स्पून जस्ट फ्राइड लहसुन। तड़का इस तरह से खूब अच्छी तरह से हो जाए। नाउ आई एम गोइंग टू ऐड दिस 6 chilies इन इट। सीटी ज्यादा हो गई तो कोई बात नहीं, क्योंकि मटन को गलाने के लिए 4-5 से 6 सीटी भी लग सकते हैं। अच्छा बन रहा है। अब इसमें 1/2 टीस्पून ऑफ कश्मीरी रेड चिली पाउडर। इट गिव्स वेरी नाइस कलर। इट्स नॉट हॉट एट ऑल बिकॉज इट इज कश्मीरी पाउडर। इट्स ओनली फॉर द कलर।
आपको थोड़े से बर्तन ज़रूर इसमें गंदा होता है, लेकिन आपको दाल और मीट को अलग-अलग ही पकाना है, तभी इसमें ज़्यादा स्वाद आएगा और दाल इतनी अच्छी तरह से घुल जाएगा कि फिर आपको ग्रेवी में ये पता ही नहीं चलेगा कि आपने इसमें दाल मिलाया है। यू हैव टू कुक इट इन सेपरेट कुकर्स, दाल एज वेल एज मटन, सो दैट इट टेस्ट बेटर एंड इट इज़ नाइसली कुक्ड। फ्लेमर कम्स ओनली वेन यू कुक इट सेपरेटली, सो दैट इट बिकम्स वेरी सॉफ्ट एंड टेंडर, एंड देन गिव तड़का इन वन ऑफ द पैन सेपरेटली। अच्छा हो गया है। नाउ आई एम गोइंग टू ऐड द मटन। नाउ मटन इज ऑलरेडी कुक्ड, नाउ आई एम ऐडिंग इट। सारा मसाला इसमें आ जाए। आई वॉन्ट ऑल द मसालाज टू टेक इट इन, सो आई एम जस्ट ऐडिंग बिट ऑफ वाटर इन इट। Now, चलिए देखते हैं क्या हुआ। वाह, देखिए बहुत अच्छा कंसिस्टेंसी हो गया है। आपको यही रखना है जिससे कि आप इसे चावल के साथ, रोटी के साथ, नान के साथ, किसी के भी साथ खा सकते हैं। कंसिस्टी शुडन्ट बी टू थिक और टू थिन, दिस इज जस्ट ओके। धनिया के साथ सजा दीजिए। बस ये बिल्कुल तैयार है सर्व करने के लिए। दिस इज नाउ रेडी टू सर्व।